अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी। वी आर बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। फिलहाल आप देख रहे हो भाई ने जैकेट पहनी है, ये भाई ने भी जैकेट पहनी हुई है। इन भाई ने नहीं पहनी, इनको ठंड नहीं लगती। और इन भाई साहब ने भी पहनी हुई है, उन्होंने भी पहनी हुई है। सब जो है ना जैकेट्स पहन के फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इधर जो टेम्परेचर है ना वो चला गया है 12-13 पे, ठीक है। और इस टाइम बड़ी ठंड है। अभी माल रोड के लिए निकले हैं, ठीक है जी। गाड़ी शाड़ी में बैठते हैं, अभी हमने कंघी वगैरह भी करनी है, गाड़ी में पड़ी है, ठीक है। वहाँ से निकालते हैं, कंघी शंघी करते हैं, फिर देखते हैं आगे। A few moments later. खान साहब एक इधर फिर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ बेच रहे हैं। और ये ओन भाई को उन्होंने कहा है कि भाई ले लो, अल्लाह पाक आपकी ना एक प्यारी सी बच्ची के साथ शादी करे, ले ले भाई। वैसे तो पता नहीं हो ना साकी भाई वो आपके पास आए। चल झूठा। फिलहाल यार अभी हम माल रोड के करीब हैं, लेकिन यहाँ पे एक चावल से ना रोड पे मोड़ना शुरू कर दिया, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया यार। वो देख रहे हो आप, पूरी वो लाइन लगी पड़ी है। A few minutes later. मेरा मुंह ही जाके मैं फटी हुई जुदा। मेरा मुंह ही जाके मैं फिर शर्ट मोटा रहूंगा। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। यार फैसला बादी भाई मिला यहाँ पे यार, सब कुछ झुके हुए जा रहा है। ये है बात यार, हम यार ये क्या बात है, ये सीधी सी बात है। वो आपको छेड़ रहा है, अच्छी कर रहा है यार। जुगत लगा तू उसको। मैं क्यों लगाऊं यार, उसने नहीं लगाई, आपको लगाई होगी। और नहीं गरीब ये जाती है यार। आप हर बंदे के साथ ऐसे करते हो यार, केड़ा कहवते हो ना यार। लोग यहाँ पे मेहमान आते हैं आपके पास यार, आपने खुद बोला यार। आ हेक विच बैठा है सदा मेहमान है। पता लग गया दिया तू फैसला बाद ना। एक और जगह दे, एक और यार उसने सबको जुगत लगाई है, लेकिन ओन भाई को नहीं लगाई यार। मर्जी है उसकी भाई यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर भाई। और भाई आप भाई आपने आंखों से उसको मना किया है। गोल है हमारा भाई, जुगत मार यार जुगत। नहीं यार मैं तो भाई याद है तू आग नहीं बोलता नहीं बोलता भाग जाएगा भाग। अब फैसला बादी तो अस्सलाम वालेकुम। इधरों आ गया यार, इधर इन्नू ही जुगत मारनी है। मेरे को खुल लेना होगा, अकाउंट नंबर दे देना। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जुगत मारनी बंद ही है। मैं धोखेबाज इंसान है भाई ये। हूं ना जुगत लाएगा ते जाएगा है। तेरी मैं गरीबी खावनी भाई। सोई हूं ना जुगत की करी
यार इन जुगत मंडी है नौ छे छोटे भाई मैंने 100 मिले ए इदा हो गया इदा है हुन अगर ढोक लोच पैसे ते बंदे नहीं इन सौ ने गलत नहीं पा लोच पैसे ते बंदे नहीं बंदा छे ए ते जाती है तू वापस ले यार क्या यार मेरे चार रुपए यार यार हार्ड टचिंग बात कर रही है यार मेरी गाल सुन तेरी गाल दिल से नहीं रखता तू इन जितनी नहीं बलोच ये बंदा दिल से नहीं रखता ए ए इस बंदे ने मैं जाने हाफिज कुरान तेरी गाल दिल से नहीं रखता तेरे ले क्यों लोच पैसे दे बंदा पैसे दे गाल ये भाई आज जुगत नहीं मारता ये भाई बीट हो गया मैं तेनु ये सारे पैसे जुगत नहीं मारता अगर थाली रख चल मैं भी ना लाना क्या फैसलाबादी भाई को भी हम आज साथ गरीबी असी सेल करांगे तैनू इस गल दा नहीं पता हमने सोचा कि यार यहीं पे पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी भी सेफ रहेगी और हम तो चल के पहुंच जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे तो बस यहाँ पे पार्क कर दिया और अभी एक दफा मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है बाहर की ये देख रहे हो आप पूरी वहाँ से लेकर ये बिल्कुल एंड तक लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की और अगर हम गाड़ी पे जाते ना तो जो हमारा सफ़र आधे किलोमीटर का ना हमें आधा घंटा लग जाना था इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिए पार्किंग में और चल के हमने 2 मिनट में पहुँच जाए। A few inches later. So guys, we are finally reached at our destination और रोटी छोटी हमने कहा पहले खा लें क्योंकि रोटी के बगैर भाई घूमा फिरा नहीं जा सकता। ओन भाई को बड़ी भूख लगी हुई थी ठीक है तो हमने सोचा है पहले रोटी छोटी खा लें उसके बाद फिर घूमें फिरेंगे तो फिलहाल रोटी छोटी आ चुकी है ठीक है और अभी बस खाते पीते हैं फिर ये पीछे ही आपके सारा कुछ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे हमने घूमना फिरना है तो यहाँ पे घूमें फिरेंगे। मोहन भाई पहले दुआ करवाएं ना आप हाफिज़ हैं करते हैं चलो शुरू करो जी। A few inches later. तो यार अभी ओन भाई रोटी छोटी खा रही है बहुत मजा आया टेस्टी खाना था यार मुझे बिरयानी अच्छी नहीं लगी बिरयानी बाकी अच्छी नहीं थी पर स्पाइसी नहीं थी मैंने तो भाई वेटर मेरे से पूछने आया कि खाना कैसा है मैंने कहा भाई बिरयानी स्पाइसी नहीं है बाकी आपका खाना ठीक है चिकन बहुत टेस्टी था हाँ वो मजा आया मजेदार फिलहाल यार अभी हमने रोटी छोटी खा के निकल पड़े हैं यार। अच्छा अभी ना जब मैंने ये भी पिछली जो आपने एक शॉट देखा है ये बनाते हुए मैंने ऐसे हाथ किया था वो कोई मेरा एक्शन नहीं था वो घड़ी फंस गई थी मेरे ना नीचे करने से निकल रही थी तो झटका दे के निकालनी पड़ी मुझे तो इस वजह से वो मैंने ऐसे दिया था वो मेरा कोई बोल ना समझ लेना कि ये ऐसे ऐसे करके बनाता है वो। फिलहाल यार यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा व्लॉग नहीं बना रहा क्योंकि यहाँ पे ना फैमिली काफी ज्यादा फैल रही है अभी हम जहाँ पे रश कम होगा ना वहाँ पे जरा हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ से निकले हैं और अभी हमने थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी है ओन भाई को स्नीकर्स लेकर देने हैं हमने और उसके बाद अपने लिए कुछ एक दो चीजें देखते हैं और अब थोड़ा कुछ सुकून है आवाज भी मेरी बेहतर लग रही होगी आपको क्योंकि अब रोटी छोटी खा ली है भाई खाते हो कुछ नहीं ये देखो ये यार पता है क्या है अभी भी मैंने काम ही क्यों किया सफर में ना मैं वैसे भी कम खाता हूँ यार कुछ नहीं होता थल्ले ही नहीं सफर में मैं कम खाता हूँ कुछ चलना ज्यादा होता ना फिर मुश्किल होती है यू नो यार कहीं पे भी फिर तो खाना कम खाना चाहिए सफर के दौरान बात तो सही है घर में बैठे हो आप फिर हाँ लेने अभी यहाँ पे यार रश बहुत ज्यादा है ये देख रहे हो आप बहुत आवाम आई है भाई बहुत आवाम आई है। फिलहाल अभी कोई शॉप वगैरह ढूंढते हैं ना यार ये देख रहे हो ये हमारे भाई इनको हमने चैलेंज दिया है कि आप ना स्ट्रेंजर्स के साथ जाके बात करनी है ठीक है अभी हर स्ट्रेंजर अभी हर स्ट्रेंजर के पास जाके ना बात कर रहे हैं उससे अभी एक पठान से लगे हुए थे आज अगला ढूंढो अगला अपना पांचवा बंदा किधर है
यार ढूंढ लो भाई, स्टोकर खेलें यार, एक फ्रेम मैं खिला देता हूँ, चलो चलें बुलाओ, एक फ्रेम खेलते हैं यार, अभी स्नूकर का एक फ्रेम खेलते हैं। Six and a half hours later. गेम सेम हमने खेली है, ठीक है, और ये बताया ना आप दूर के मार के जा रहे हैं यार, बड़ी टफ गेम हुई है लेकिन हार गया हूँ मैं, हार गया हूँ, पिज्जा भी हार गया हूँ, अभी हम पिज्जा खाएंगे थोड़ी देर तक, अभी क्योंकि अभी तो खाना खाया, भूख लगी हुई है, ठीक है, अभी यार अंदर तो गर्मी थी, अब ठंड लग रही है फिलहाल यार, अभी हमने जो पिज्ज़ा लगाया हुआ था ना गेम पे, वो अभी हम खाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं ज़रा और देखते हैं कि क्या चीज़। अबे साले तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, सॉरी ब्रो सॉरी। चलो यार आओ भाई, किधर हो, वो पीछे खड़े हो गए, वो इधर खड़े हो गए। चलो यार अभी यार हम नीचे बेसमेंट है वहाँ पे आ गए हैं ज़रा बाजार। अच्छा स्लीपर लेने के लिए पहुँच गए कौन भाई, आपने तो स्नीकर लेने थे वो नहीं लिए, यहाँ पे आगे वैसे शॉप्स होंगी देख लेना, 2000 प्राइस। अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ यार कोई अच्छी चीज़ मिल जाए जो मुझे आगे जाके काम भी है, क्योंकि जूती शूती काम नहीं आते, आगे देख यार ये क्लाश नहीं ना ले लें, फिलहाल यार बस यहाँ से बाज़ार ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से भी हम यहाँ से निकलते हैं, इधर से लेफ्ट होकर अपने दोबारा से ऊपर चढ़ते हैं घर की तरफ चलते हैं, और जो हमने यार एक गोल्डन यार ये रिंग्स, अंकल क्या प्राइस है, 100 रुपये 100 रुपीज़ जी 100 रुपीज़ यार ये 300 के लेके आ गए। चलो यार यहाँ से भी देखते हैं अभी कोई पसंद आती है तो, मैं ये काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये उस तरह है नहीं, 100 यार फिलहाल दुख बड़ा हो रहा है, घर चले यार मैं जा रहा हूँ घर, चलो यार घर चले मैं जा रहा हूँ। अच्छा यार यार हमें जो पीछे 300 का मिल रहा था यहाँ से 100 रुपये का मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ का फ़र्क है कि ये चीज़ अच्छी है, वो हमें थोड़ी सी हल्की चीज़ मिल रही थी, कोई बात नहीं होता रहता, इंसान ही है हम भी। फिलहाल चलें यार पिज्जा नहीं खाना, वो भाई से पूछा वो यार कोई नहीं, हम इकट्ठा ही खाना है, जो मर्जी खिलाए यार, वो खिलाए हम खिलाए, एक ही बात है, जब भूख लगेगी तब हैं, फिलहाल चलते हैं। हाँ अभी घबराहट हो रही है अभी गेम हारने का दुख है हमें, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है, फिलहाल अभी चलते हैं जी ऊपर, और ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है। A few moments later. यार ये सारे शॉप मैजिक्स की है, अगर आपने भी मैजिक लेना हो किसी किस्म का भी आंखों का धोखा वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। और भाई आपने कोई मैजिक ट्रिक लेनी है यार, कोई अच्छी चीज भी ले लो खेलने के लिए, जरूरी है कि कार्ड खेलने हैं बैठ के, यार ये क्या चीज है यार, ये इधर दिखाओ तो यार ये क्या चीज है भाई। यार फिलहाल अगर कोई मैजिक ट्रिक लेनी है तो लो, नहीं तो फिर चलें हम पिज्ज़ा खाएं, मुझे भूख लग रही है। ये एक वकार, ये अब मैजिक ट्रिक देखें आप जरा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये आप लेंगे आपको सिखाएंगे, आप टिकटॉक और वीडियो मेरे कार्ड पर डिफेंड कार्ड, ये कृपया नोट सब जहाँ से भेजा, इस साइड से भी देखिए और इस साइड से भी डिफेंड कार्ड है सारे, चलते कार्ड में जहाँ पे बजे जाए फिंगर रखो, बीच में उंगली रखो, बीच में उंगली रखो, ये कार्ड निकले उसको अपने भूलना नहीं है, जहाँ देखना फिर आपका जहाँ पे जीजिए आप फिंगर रखो जी, देखो वही कार्ड अपने देखो, आपका कार्ड कहाँ पर है, नीचे है ना, उसको हम ट्रेक करते हैं ऊपर आ गए, देखिए वाला कार्ड
अच्छा ये ट्रिक ना मुझे हल्की हल्की पता है इसका। आगे भी देखो ना, आगे भी देखो, इसमें इस तरह का कोई कार्ड तो नहीं है, ये वाला जो आपने देखा। अब दिखाओ, है कोई की बात है, इससे साइड पे कर, अब दिखाओ ना इसको, यहाँ पे लगा के ट्रिक करते हैं इसके अंदर। खैर फिलहाल ये होता इजी है, ऐसा होता है आप एक दफा सीख जाओ फिर कहो कि यार ये क्या चीज है। हां ये है ना, नेक्स्ट बंदे को दिखाएंगे। तेरे बाप को मत सिखा। चलो यार निकलते हैं फिलहाल यहाँ से, ठीक है, हमने जो लेना था वो ले लिया। चलो 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 यार, अभी हम सारे कामों से फ्री हो के घूम फिर के मॉल रोड से और बाजार वगैरह से होके, ठीक है, जो चीज़ हमने लेनी थी वो ले शेर के, अभी हम जा रहे हैं घर वापस भूरबन। और अभी यहाँ पर रास्ते में यार ये हमें एक बहुत ही एक वेल लाइटेड जगह मिली है और ये हमें बड़ी अच्छी लग रही थी, तो यहाँ पे हम पिक्स बनाने के लिए रुके हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी सी पिक्स बना ली जाएँ, उसके बाद हम निकलते हैं घर और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग भी यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, फिलहाल ब्लॉग को एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो कर लें लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे तमाम ब्लॉग्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।